चंद्रपुर जिले में हो रहे सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु चंद्रपुर पुलिस ने 1 जनवरी 2021 से दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया है। इस संदर्भ में यातायात पुलिस निरीक्षक हृदय नारायण यादव ने क्या जानकारी दी, देखते इस खबर में। चंद्रपुर जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के चलते आने वाले समय में दोपहिया चालकों को हेलमेट अब अनिवार्य कर दिया गया है और आने वाले 1 जनवरी से यह लागू किया जाएगा। वहीं इस मौके पर यातायात पुलिस निरीक्षक हृदय नारायण यादव ने आज शहर में हेलमेट के संबंध में संबंधित नागरिकों को रोक कर कुछ दिशा निर्देश दिए तथा उन्होंने इस मौके पर स्वयं हेलमेट धारण करते हुए चंद्रपुर शहर का निरीक्षण किया और इस मौके पर अनेक वाहन चालकों को रोककर उन्होंने आवश्यक हिदायतें दी। तो सुनिए इस संदर्भ में यातायात पुलिस निरीक्षक हृदय नारायण यादव ने मीडिया को क्या जानकारी दी, स्वयं उन्हीं की जुबानी। चंद्रपुर जिला जनवरी 2021 पासून प्रमाण वाढलं आहे। मोटरसायकल जे सवार आहे त्यांचा अपघात जास्त झाला आहे आणि जे अपघातात मरण पावलेले आहे त्याने हेल्मेटचा वापर केला नव्हता। म्हणून एस पी साहेब माननीय अरविंद साळवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिनांक 1 तारखेपासून चंद्रपूर जिल्ह्यात पूर्ण टप्प्याटप्प्याने हेल्मेटचा वापर सक्तीचा करणार आहे। त्या अनुषंगाने आज मी स्वतः पोलीस इन्स्पेक्टर यादव राजीवन चंद्रपूर आमच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना एस पी साहेबाने हेल्मेट वाचून टाकायचे कर्मचाऱ्यांना हेल्मेट बंधनकारक केलेलं आहे आणि त्या अनुषंगाने पब्लिकमध्ये जनजागृती व्हावी या दृष्टिकोनातून मी स्वतः मोटरसायकलवर आमचे दोन्ही कर्मचारी आणि मी स्वतः हेल्मेट घालून लोकांना आवाहन करत आहे का तुम्ही आपल्या जीवनाच्या सुरक्षेसाठी मोटरसायकल चालवताना हेल्मेटचा वापर करावा। त्यासाठी सर्व नागरिकांना चंद्रपूर वाहतूक शाखेतर्फे आवाहन करण्यात येत आहे।